फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग था और बैंक निफ्टी वीक, तो कल बहुत हाई चांसेस हैं कि मार्केट नीचे आ सकता है, क्योंकि अगर आप इस वक्त देखें तो डाउ जोन्स काफ़ी डाउन चल रहा है। हाउएवर, चलिए देखते हैं कल के जो दो स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं इंट्राडे के लिए, तो हम चलते हैं सीधे चार्ट पे। तो फर्स्ट स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है मुथूट फाइनेंस। इस स्टॉक को मैंने क्यों सेलेक्ट किया है, क्योंकि अगर आप देखें तो इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी स्टेप बाय स्टेप तेज़ी आई है, एकदम से तेज़ी नहीं आई है इस स्टॉक में। और अभी जो है मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है बहुत ही अच्छे लेवल पे, अगर आप देखें तो हायर हाइज बनाता हुआ चलता जा रहा है और हायर लोज बनाता हुआ चलता जा रहा है। तो कल के लिए इसमें ट्रेड हम यहाँ पे लेंगे, जैसे ये 1266 के ऊपर निकलता है 3 से 5 मिनट की कैंडल, तो हम इसका टारगेट 1293 रखेंगे। 1293 क्यों रखेंगे, वो उसका लॉजिक भी अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम एंट्री कंफर्म कर लेते हैं। 1266 के ऊपर 3 से 5 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए और जो है वो ओपन फ्लैट होना चाहिए यहीं कहीं पे। अगर ये ओपन हो रहा है तो इट्स तभी ये वैलिड होगा इस स्टॉक में ट्रेड करना। अगर ये गैप अप हो जाएगा तो ये डायरेक्ट शायद 1293 चला जाएगा और फिर नीचे आ सकता है, तो गैप अप में हम इसको इग्नोर करेंगे। और अगर गैप डाउन भी होता है ज़्यादा तो कल, क्योंकि मार्केट नेगेटिव रह सकता है, तो हम तब भी हम इसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये हो सकता है कि नीचे जाए फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर आए, तो काफ़ी 1-2% के अराउंड ऑलरेडी प्रॉफिट हो जाएगा बायर्स को, तो वो फिर इसके ऊपर यहाँ पे आके एग्जिट करना शुरू कर देंगे, ये तो मतलब नहीं बनेगा। तो बेस्ट इज फ्लैट ओपन होना चाहिए और 1266 के ऊपर 3-5 मिनट्स की कैंडल क्लोज हुए तो हम इसको बाय कर सकते हैं। बड़ी कैंडल क्लोज होएगी तो आपको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का ट्रेड करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे और 1:2 का ही टारगेट रखेंगे। अब जो मैं डिस्कस कर रहा था कि 1293 क्यों टारगेट रखना है, अगर हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में चलें तो आपको एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगी। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ये मार्केट जब यहाँ से आया था, 1293 से नीचे आया था, तो इसने काफ़ी बार ट्राई किया था इस लेवल को क्रॉस करने के लिए, बट यहाँ से काफ़ी बड़ा फॉल हमें देखने को मिला था। तो यहाँ से ये तो श्योर है कि 1293 से एक बार थोड़ा सा और नीचे आएगा, एकदम से डायरेक्ट ये क्रॉस तो नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो नेक्स्ट 2-3 डेज में नीचे आ सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था यहाँ से, ये अप्रैल 2022 में, तो ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद ये फिर से यहाँ पे आ रहा है। तो हाई चांसेस है कि इस लेवल को अब ये क्रॉस करने की कोशिश करे। अब इस ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे काफ़ी सारे स्विंग भी लगे हुए हैं, तो ये एक पहले सपोर्ट जोन हुआ करता था और अब ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, तो इसलिए जैसे ही इस लेवल को टच करेगा हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है। तो कल अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है मुझे इस स्टॉक में अपसाइड जाने की। तो ये है फर्स्ट स्टॉक, तो चलिए सेकंड स्टॉक डिस्कस करते हैं। सेकंड स्टॉक है सेल के लिए मैंने सिलेक्ट किया है हिमाद्री स्पेशलिटी। अब इस स्टॉक में बहुत ही अच्छा एक हमें ट्रेंड दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या ट्रेंड दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा हाई बनाया, उसके बाद एक कंटिन्यूस लो, फिर एक हायर बनाया लेकिन प्रीवियस हाई से नीचे है, फिर यहाँ पे एक लो बनाया और इसने अपने प्रीवियस लो को भी ब्रेक कर दिया, तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये अपने लोअर लोज में जाने के लिए अभी रेडी हो चुका है। और अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो बहुत ही बढ़िया एक ट्रेंड लाइन भी जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, तो एक यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक अच्छा ट्रेंड लाइन है। और इस ट्रेंड लाइन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके से कुछ ये ट्रेंड लाइन है, तो इस ट्रेंड लाइन को भी इसने 2 बार रीटेस्ट कर लिया है और दोनों बार ऑलमोस्ट रिजेक्शन मिला है। बट हमें जो है वो इसमें ट्रेड कब लेना है, इसमें ट्रेड हम देखेंगे, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अभी, जो कह सकते हैं कि ये जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो जब मार्केट कल
अपने इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट दे, या फिर ये जो आज का लो बना है उसके नीचे, या फिर इसके नीचे 127 के नीचे, तो इसमें एक अच्छा हमें फॉल देखने को मिल सकता है यहाँ तक 125 तक। तो इस स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में भी रख सकते हो, हो सकता है ये कल कंसोलिडेट ही करे यहीं कहीं पे। लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक डाउन होता है 3 to 5 मिनट्स की कैंडल में, तो इसमें हम अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। और ध्यान रखें कि 1:2 ही हम रखेंगे टारगेट। और थर्ड स्टॉक, एक और स्टॉक है जो मुझे लगता है कल मार्केट में गिर सकता है, वो है टाटा ELXI। स्टॉक में भी एक कुछ ट्रेंड जैसा दिख रहा है, लोअर लोज बनते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। देखिए इस स्टॉक में भी सिंपल वही चीज है, यहाँ पे हाई बनाया है, फिर लो बनाया है, फिर एक हाई बनाया है, फिर एक लो बनाया है, फिर एक हाई बनाया है। अभी ये अपने लो के पास फिर से आ रहा है, जो कि ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। तो इस लेवल तक अगर ये आता है और ये यहाँ से गिरता है तो काफ़ी नीचे जाएगा। हालांकि इसने रिजेक्शन भी दिखाया हुआ है और आज भी एक रिजेक्शन हमें कैंडल देखने को मिली है। तो कल मार्केट जैसे ही इस स्टॉक में इस लेवल के नीचे ब्रेक होता है 3 to 5 मिनट्स की कैंडल, ये लेवल जो है 7502 के नीचे ब्रेक होता है, तो ये फर्स्ट टारगेट तो हमारा 7448 हो जाएगा। और अगर इसके भी नीचे आता है तो सेकंड टारगेट आपका यहाँ तक भी हो सकता है 7400 के अराउंड। तो इसमें स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही रखेंगे। तो ये ध्यान रखना कि 1:2 बने आपका एटलीस्ट, यानी तो 1:1.5 तो बने ही बने। तो इस तरीके से हम इन स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। अभी इसमें भी हम ध्यान से देखें तो एक ट्रेंड लाइन जो है वो नजर आ रही है। लेट्स सी, ये एक ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा कॉशियस जो है वो रहना होगा। तो जैसे ही इसके नीचे आता है तो वो ऑलमोस्ट इसके नीचे आ ही जाएगा, फिर आपका ये फर्स्ट टारगेट और ये सेकेंड टारगेट हो सकता है। तो कल ये तीन स्टॉक्स जो है वो मैंने वॉच लिस्ट में रखे हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और ये जो मैं वीडियोस बनाना हूँ वो एक एजुकेशन पर्पस के बेसिस पे है। अगर आपको इनमें ट्रेड लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस करें और अपना एनालिसिस करने के बाद ही ट्रेड लें। तो गाइस मिलते हैं अगले हफ्ते। अब कल लास्ट डे है वीक का, तो चलिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। हाँ, थैंक यू।